अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप उम्मीद खैरियत से होंगे खुश खुशबाश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बहुत खुश हूँ और क्योंकि आज मेरा जो किचन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है काम सारा ख़त्म हो चुका है और ये देखिए यहाँ से मैं आपको लुक दिखाती हूँ और यहाँ से स्टार्ट होता है ये किचन का लुक और यहाँ तक मैंने इसको बनवाया है और ऊपर भी बॉक्सेस बनवाए हैं ये तो मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ खुशी का तो मेरी ठिकाना ही बिल्कुल नहीं है बोला भी नहीं जा रहा है और ये स्टोव है स्टोव के नीचे ये देखिए बिल्कुल इस तरह से स्टोव लगा लिया है इंस्टॉलिंग पहले आप दे चुके हैं देख चुके हैं स्टोव भी आप पहले देख चुके थे और ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से मैंने ड्रॉर्स बनवाया है और ड्रॉर के नीचे एक कैबिनेट डलवाया है ये एक कैबिनेट एक ड्रॉर और नीचे एक कैबिनेट और ये सामने सिंक के नीचे वाला कैबिनेट और ये इस साइड पर ये न्यू कैबिनेट्स बनवाए हैं और ये थोड़ा सा मैंने कंट्रास्ट में बनवाया है ये है प्याज को सेव करने वाला स्टोर करने वाला कैबिनेट और देखिए किचन में प्याज रखा हुआ होता है तो बहुत बुरा सा अजीब सा लगता है भले कितना ही खूबसूरत हमारा बास्केट हो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से सेवरी ट्रे लगवाई है कि इसको स्लाइड जब हम करते हैं तो नीचे वाला जो ड्रॉर है उसके नीचे भी हम अपना स्टोरेज कर सकते हैं यानी अच्छा खासा हमारा सामान नीचे भी रख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको लगवाया है ये देखिए और इसके अंदर तकरीबन जो है मैंने बॉक्सेस वग़ैरह रखे हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत जो है हर वक्त हमें किसी भी वक्त पड़ सकती है तो मैंने इसको बिल्कुल अपने स्टोव के नीचे रखा है कुछ नए आइटम्स में लेकर आई थी बाज़ार से तो वो इसमें रखे हुए हैं और एक ये स्पून होल्डर है ये रखा हुआ है ये एक ये मैंने लिया था योग को सेपरेट करने वाला एक टूल है ये लिया था यहाँ पर मैंने अपना जो प्याज का कटर है या सब्जी कटर जिसको कहते हैं वो रखा है एक ये वाला मैंने इसमें स्ट्रेनर रखा है और एक जो है सिट्रस कौर को जूस जो निकालते हैं सिट्रस जूस निकालने की एक मशीन है आ, जो मैनुअल है वो रखी हुई है यहाँ पर लंच बॉक्सेस रखे हुए हैं और ये देखिए ये सारे लंच बॉक्सेज और कंटेनर सारे इसमें मैंने रख दिए हैं ताकि जब भी हम खाना बचे या आ, बच्चों को लंच बॉक्सेस देने हो तो हमारा यहीं पर हमें आराम से इजीली मिल जाए और ढूंढना ना पड़े क्योंकि ये चीज़ें जो हैं कभी कभी इधर उधर हो जाती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा इनको ढूंढना पड़ता है तो इसलिए मैंने ये बिल्कुल अपने सामने आँखों के रखे हैं ताकि ये मुझे परेशानी ना हो अब ये देखें यहाँ पर ये हो गया इसका लुक और इसके नीचे वाला जो है कैबिनेट वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ अब यहाँ पर ये है जो कैबिनेट इसमें मैंने अपने जो पतीले वगैरह हैं जितने भी मेरे सारे पॉट्स हैं वो सब इसमें रखे हुए हैं आपने देखा होगा कि मेरे पास जो है नॉन स्टिक नहीं है मैं नॉन स्टिक यूज़ नहीं करती और रिकमेंड भी नहीं करती ये देखिए यहाँ पर मेरे सारे स्पाइसेस मैंने इस तरह से रखे हुए हैं और नीचे ये एक फॉमिक शीट आ, कह सकते हैं आप इसको थर्मोपोल की एक शीट अभी नई न्यू निकले हैं ये तो ये मैंने ख़रीदा था इसके नीचे बिछाने के लिए तो मैंने ये सारे कैबिनेट्स में ये बिछा दिया है ताकि जो है ये कैबिनेट्स जो वाइट कलर के हैं तो ख़राब ना हो और ये चिमनी का जो है ये ऐसा लुक है और चिमनी जो है वो क्राउन की मैंने ख़रीदी है और बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है फ़ौर से जो सारा धुआँ है वो फ़ौर जस्ट कर लेती है ये और टच सेंसर बहुत ज़बरदस्त है इसका टाइमर भी इसमें लगा सकते हैं हम तो अगर किसी को ख़रीदनी हो इसमें एल लाइट्स भी हैं और अगर किसी को ख़रीदनी हो तो हाईली रिकमेंडेड है बहुत ज़बरदस्त इसका जो है बहुत पावरफुल है ये मेरा ये कहने का मतलब है कि दो दो मिनट के अंदर सारा जो धुआं है रफू चक्कर हो जाता है सारा किचन जो है वो बिल्कुल धुएं से पाक हो जाता है और यहाँ पर आ जाते हैं अब इस कैबिनेट में मैंने क्या रखा है इस कैबिनेट में मैंने रखा है टी का सामान टी कॉफी का सामान रखा हुआ है नीचे यानी कप्स और ट्रे रखी हुई है और एक मैंने थर्मोस रखा हुआ है ऊपर मेरे बाउल्स पड़े हुए हैं कंटेनर जिन्हें कहते हैं ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी मशीनरी भी रखी हुई है और ये बहुत बड़ा कैबिनेट है तो इसमें बहुत सारा सामान आया है ऊपर पूरे पे मशीनरी है नीचे एक डिनर सेट रखा हुआ है और साइड में मेरा बेकरी का सामान रखा हुआ है सारा और ऊपर सारी की सारी मेरे जितने भी चॉपर्स मशीन्स जितनी भी हैं वो सब आ गई हैं ये वाले कैबिनेट्स अभी तक सेट नहीं हुए हैं और यहाँ पर अभी मैंने ऐसे ही बाउल्स रख दिए हैं ऊपर वाला जो इसका कैबिनेट है वो भी मैंने सेट नहीं किया है क्योंकि इसमें सारे फैंसी बर्तन आने हैं जब मैं रखूँगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी इन कल रखूँगी और थक चुकी थी मैं बहुत ज़्यादा तो फिर मैंने जितना हो सका उतना किया और बाकी छोड़ दिया ये देखिए यहाँ पर ये मैंने इस तरह से प्लेट्स रख दी हैं जो ये वाला मेरा कैबिनेट है इसमें और ऊपर वाले जो कैबिनेट कैबिनेट्स हैं ये तीनों ये तीनों भी खाली हैं और ये मैंने इसलिए बनवाए हैं जो एक्स्ट्रा सामान हमारा किचन में होता है जो हमारे यूज़ में नहीं आता वो हम इसके अंदर रख सकें और ये मेरा पेंट्री बॉक्स है ये भी अभी आधा खाली है क्योंकि अभी ग्रॉसरी नहीं आई है इस मंथ की जब ग्रॉसरी लेकर आएंगे तो वो भी फिल हो जाएगी और ये देखें ये जो है थर्मापोल इसका एक ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा जब इसके ऊपर सामान नहीं रखा हुआ होता तो ये मुड़ जाता है और यहाँ पर मैंने सोचा है कि अपने बेकरी के आइटम्स रखूँगी जो बेकरी का सामान होगा वो रखूँगी जो मैं बेकिंग करती हूँ तो फिर वो एक तरफ रखा हुआ हो तो मुझे ईजीली मिल जाए और ये वाले कैबिनेट में कह रही थी अभी आपको दिखाऊंगी तो इसमें तेल की बढ़िया और तेल का जो गैलन है वो रखा हुआ है चावल चीनी के डब्बे रखे हुए हैं इसमें ये वाले कैबिनेट में मैंने रख दिया है आटे का अपना डब्बा और बिल्कुल सेपरेट हो चुका है अब ये गंदगी नहीं होगी दूसरी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी बिल्कुल भी आटा गिरने से अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ये देखिए सिंक के नीचे जो है मैंने अपना ये वाला प्लेट होल्डर रख दिया है ताकि मैं इसके अंदर साबुन और जो मेरे कपड़े धोने का साबुन है सर्फ वग़ैरह जितनी भी सारी चीज़ें क्लीनिंग की होती हैं वो सब इसके अंदर स्टैंड के अंदर रख सकूँ और वो भी मुझे ईज़िली मिल जाए बर्तन रखे हुए सिंक में इसको अवॉइड कीजिएगा और ये देखिए ये वाला कूलर जो है ये मैंने नया परचेज़ किया है अब मैंने कूलर और स्टोव जो है वो पहले से परचेज़ कर लिया था मुझे नहीं पता था कि मैं कौन से कलर की शीट्स लगवाऊँगी तो मैंने इस कलर का ले लिया था ये देखिए यहाँ पर और ये बेल में कल लेकर आई थी मुझे बहुत पसंद आई थी इसमें एप्पल्स लगे हुए हैं थर्मोपोल पर बनी हुई है ये एक चेरी का पॉट लेकर आई थी मैं और ये मेरा पुराना वाला मनी प्लांट का है इसकी बॉटल मैंने चेंज कर दी हुई है और ये देखिए नीचे जो है इसके ऊपर मक्खी बैठी हुई थी तो वो मैं हटा रही थी और नीचे जो है एक और पॉट रखा हुआ है और ये एलईडी लाइट्स लगवाई हैं मैंने ये देखिए इसका जो जो काम करने वाले वो तो छज्जा कह रहे थे लेकिन इसको छत कहते हैं छत के ऊपर मैंने एलईडी लाइट्स लगवाई हैं और पट्टी से इसको डेकोरेट करवाया है इसको चाइना पट्टी कहते हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रही है और पेंट्री बॉक्स का पीछे का लुक आपको दिखाती हूँ ये देखिए इसका पीछे का जो लुक है वो कितना ज़बरदस्त लग रहा है और एक्रेलिक जो है उसकी बात ही अलग है बहुत शाइनिंग मारता है और बहुत प्यारा लगता है बहुत खूबसूरत लगता है लेकिन इसको क्लीन करते वक्त सिर्फ़ इस बात का ख्याल रखना चाहिए चाहिए के इसको क्लीन सिर्फ खुश्क कपड़े से ही करना चाहिए अब आ हूं आप आ गई हूँ मैं दोबारा से स्टोव पर क्योंकि आपसे मैंने कहा था कि मैं जब स्टोव को इंस्टॉल करूँगी तो आपको मैं इसका रिजल्ट बताऊंगी और रिज़ल्ट जबरदस्त है अभी गैस थोड़ा सा कम आ रहा है तो ये इतना इसका स्टोव जल रहा है शायद गैस पूरा आ जाए तो फिर वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी कि इससे ज़्यादा ये जलता है या नहीं वैसे जो ये इस तरह के न्यू चूल्हे जो होते हैं या न्यू स्टोव जो होते हैं वो इससे ज़्यादा नहीं जलते हैं और यहाँ पर रखे हुए हैं मेरे ग्लासेस इनको भी मुझे यहाँ पर ऊपर वाले कैबिनेट्स में शिफ्ट करना है इनको धो के रखा था लेकिन फिर से इनके ऊपर मिट्टी लग गई है तो सुबह मैं इसको दोबारा से धोकर इनके अंदर शिफ्ट कर दूँगी और ये मैं लेकर आई थी एक ऑयल कंटेनर और ये मुझे अच्छा लगा था तो ये मैंने ख़रीद लिया था वैसे ही मुझे ऑयल कंटेनर चाहिए था तो मैंने ये प्लास्टिक में ले लिया क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो इसलिए प्लास्टिक ही ठीक रहता है और साथ में करने लग गए थे हम एक तजुर्बा ये पैकेट जो है पॉपकॉर्न का था तो मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है ख़राब हो चुका था तो मैंने सोचा कि इसको पॉट के अंदर बना के देखते हैं जब हम पॉट में बना रहे थे तो आ, बिल्कुल ही नाकाम तजुर्बा समझ हो गया लेकिन यह है कि पॉपकॉर्न तो बन गए थे इस तरह से देखें ये आपको नज़र आ रहे होंगे इस तरह के पॉपकॉर्नस बने हैं अभी खोल के भी दिखा देती हूँ ये देखिए लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता ये हंड्रेड रुपीज़ में इतने से पॉपकॉर्नस क्यों देते हैं बस दिल जल गया बस बना के और उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरा किचन आपको पसंद आया होगा किचन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं और दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़